पूरा मामला यह है कि ये सरकार भयानक तरीके से डरी हुई है और देश को एक बड़े संकट में डाला जा रहा है, चारों तरफ से घेर कर। मतलब ये गुलाम नबी आजाद का मामला नहीं है। आप देखिए कि राहुल गांधी के खिलाफ असम में FIR, ज्योतिरादित्य का हमला, कांग्रेस के जितने पुराने लोग हैं जो घर के भेदिये हैं जिनको कह सकते हैं, जिनकी अंदर तक बेडरूम तक जिनकी पहुंच थी, उन तमाम लोगों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केवल एक आदमी पर हमले के लिए कर रही है और एक आदमी से इतनी डरी हुई है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अदालत में जाकर एक शिकायत दर्ज करवानी चाहिए गुलाम नबी आजाद के खिलाफ साक्ष्य छुपाने के आरोप में। गुलाम नबी आजाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। संसद क्यों नहीं चलने दी गई उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। वो इसलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस में उनको आखिरी दिनों में वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था या वो चाहते थे। राज्यसभा की सदस्यता उनकी रिन्यू नहीं की गई और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी गोद में ले लिया। जो आजाद साहब हैं या सिंधिया हैं या हेमंत विश्वास हैं या तमाम लोग जो हैं, ये इस समय जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे चुनाव के ठीक पहले कटघरे में खड़ा किया जाए और पूरे के पूरे देश का जो ध्यान है वो कैसे भटकाया जाए और अदानी के पूरे मामले को कैसे साइड ट्रैक किया जाए। जितने अखबार हैं आप देखिए कितने अखबारों को आजाद साहब के इंटरव्यूज आ रहे हैं, एक साथ कितने चैनलों पर उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, ये हो कैसे रहा है? ये आज से पहले कैसे क्यों नहीं हुआ कभी भी? क्या क्या कारण क्या है कि ये अचानक से गुलाम नबी आजाद इतने बड़े नेता हो गए कि सारे चैनलों को ऐसा लग रहा है कि उनसे बात करनी चाहिए? आजाद साहब तो कह रहे हैं कि ऐसी उनके पास जानकारी है और वो अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो संसद में अडानी के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर खुलेआम आरोप लगाया है और फोटो दिखाए हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये तमाम लोग जो हैं, इन तमाम लोगों के साथ किन लोगों के संबंध रहे हैं ये गुजरात का हर एक आदमी जानता है। कितनी बार अदानी के पास शरद पवार आए ये उन्होंने खुद ने किताब में लिखा है और खुद ने कहा है, और कितनी बार अडानी गए बारामती में ये भी उन्होंने बताया है। ये जो संबंध है इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि JPC की मांग पर या अडानी के साथ संबंधों को लेकर राहुल गांधी ने जो चार सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से, उसका जवाब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या आजाद या सिंधिया या हेमंत बिस्वा कोई भी क्यों नहीं देना चाहता है? तो ये जो एक पूरा का पूरा और मीडिया के सहयोग से जो पूरा का पूरा प्रचार इस समय जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस के लोगों को आगे किया गया, आप मजे की बात ये देखिए कि गांधी परिवार पर हमले के लिए, उन हमलों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कि देखिए अब तो घर के लोग ही हमला कर रहे हैं, जो 50 साल तक कांग्रेस में रहे वही बता रहे हैं राहुल गांधी के बारे में तो बिल्कुल सच्चा होगा। सिंधिया कह रहे हैं कि ये ट्रेटर हैं, देशद्रोही हैं, तो बिल्कुल सच्चा होगा। तो आप पूछिए ग्वालियर में जाकर कि लोग
किसको ट्रेटर मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं कि किसी और को मानते हैं। तो ये जो हमें जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो एक अकेले आदमी के खिलाफ पूरी की पूरी फौज लग गई है, पूरी की पूरी सेना लग गई है। और अब हो सकता है कि उस आदमी को हराने के लिए ये लोग इतने लग गए हैं तो वो आदमी हार जाए, पर ये जो हार होगी 2024 में या 2023 के विधानसभा चुनाव में, ये राहुल गांधी की हार नहीं होने वाली है, ये देश के लोकतंत्र की हार होने वाली है, प्रजातंत्र की हार होने वाली है, अधिनायकवाद और तानाशाही की जीत होने वाली है। और जो इतिहास लिखा जाएगा इन चुनावों के बाद, उसमें इन तमाम लोगों के नामों का उल्लेख होगा और कश्मीर के इतिहास में गुलाम नबी आजाद के नाम का भी होगा और मध्य प्रदेश के इतिहास में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उल्लेख होगा कि ये इन लोगों ने, जब देश में लोकतंत्र की मांग की जा रही थी, लोकतंत्र की लड़ाई चल रही थी, तब ये लोग जिस तरह से अंग्रेजों के साथ थे आजादी की लड़ाई में, उसी तरह से ये उस समय किन के साथ खड़े थे जो लोग लोकतंत्र को इस देश में खत्म करना चाहते हैं। खबरों पर प्रतिबंध की बात चल रही है, चैनलों पर प्रतिबंध की बात चल रही है, न्यायपालिका पर लगाम कसने की बात चल रही है, चारों तरफ से फेक न्यूज के नाम पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। मैंने कहा ही आपसे कि शरद पवार ने जिस मीडिया को, जिस चैनल को अडानी ने खरीद लिया, उस चैनल पर जाकर अडानी का बचाव कर रहे थे। तो आप सोचिए कि जो लड़ाई है उसको, और अब पवार साहब इस बात का बचाव कर रहे हैं कि डिग्री की क्या जरूरत है, डिग्री देखने की क्या जरूरत है। कोई ये नहीं पूछ रहा है, आजाद साहब ये नहीं पूछ रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप डिग्री दिखा क्यों नहीं देते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि लोग नहीं समझ रहे हैं? वो जो बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे, वो नहीं देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है, उनकी डिग्रियां क्यों मांगी जा रही है बच्चों की, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर इतना गुस्सा क्यों व्यक्त किया जा रहा है? ये सब लोग देख रहे हैं।